तो हेलो दोस्तों, फिर से आ चुका हूँ व्हाट्सएप के खतरनाक सेटिंग को लेकर। तो आज के इस वीडियो में आपको बताऊंगा तीन ऐसे इम्पोर्टेंट सेटिंग के बारे में जो तुरंत आपको उसे ऑन कर देना चाहिए। व्हाट्सएप के कुछ ऐसे सेटिंग है जो आपको उसे ऑन कर देना है। इस सेटिंग से आपका व्हाट्सएप हैक होने से भी बच सकता है, प्राइवेट मैसेज लीक होने से भी बच सकता है। जो सेटिंग इस वीडियो में बताऊंगा वो सेटिंग तुरंत अपने व्हाट्सएप में अप्लाई करना है। तो दोस्तों चलते मोबाइल की स्क्रीन पे, वहाँ पे आपको बताऊंगा कौन कौन सेटिंग ऑन करना है। आज का ये वीडियो काफी यूजफुल होने वाला है, इसलिए वीडियो को लाइक कर देना। चैनल पे पहली बार तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस जरूर कर लेना। तो गाइस बने रहना वीडियो को एंड तक, चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों आज को अपने मोबाइल की स्क्रीन से सेटिंग को ऑन कर देना है, कौन से सेटिंग को ऑफ कर देना है, जिससे आपका व्हाट्सएप हैक होने से भी बच सकता है। तो वीडियो को ध्यान से देखिएगा और अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर देना दोस्तों। तो दोस्तों फर्स्ट नंबर सेटिंग क्या है मैं आपको बता देता हूँ। इसके लिए आपको व्हाट्सएप एप्लीकेशन ओपन करना, देन उसके बाद थ्री डॉट पे क्लिक कर देना। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे लिंक डिवाइस का एक ऑप्शन देखने को मिल जाता है, इस पर क्लिक कर देना। इस पर क्लिक करने के बाद दोस्तों यहाँ पर आने के बाद दोस्तों आप चेक कर सकते हैं हमारे व्हाट्सएप किन किन डिवाइस से लॉग इन है। जी हाँ दोस्तों, आप यहाँ से पता कर सकते हैं। अगर यहाँ पर दोस्तों नीचे किसी भी डिवाइस का नाम शो कर रहा है, जिस भी डिवाइस का नाम शो कर रहा है दोस्तों, समझ लेना दोस्तों आपकी व्हाट्सएप उस डिवाइस से लॉग इन है। जी हाँ दोस्तों, उस डिवाइस पे यहाँ पर नाम शो करेगा और उस फोन से लॉग आउट करने के लिए उस पर क्लिक करना और उस पर लॉग आउट का बटन मिलेगा, फटाक से दोस्तों उसे लॉग आउट कर देना। यदि आप किसी को फोन देते हैं, फोन लेने के बाद दोस्तों आप इस सेटिंग को आकर एक बार चेक जरूर करें। सेकेंड नंबर सेटिंग क्या है यहाँ पे आप लोग को ध्यान से देखना है। तो दोस्तों इसके लिए आपको व्हाट्सएप एप्लीकेशन ओपन करना, थ्री डॉट पे क्लिक कर देना, उसके बाद सेटिंग पे क्लिक कर देना, अकाउंट पे क्लिक कर देना, उसके बाद आपको सिक्योरिटी का बटन मिलेगा, इस पर क्लिक कर देना। इस पर क्लिक करने के बाद दोस्तों आपको नीचे एक ऑप्शन मिलेगा, शो सिक्योरिटी नोटिफिकेशन ऑन दिस फोन। जी हाँ दोस्तों, आप इस सेटिंग को ऑन कर देना है। जी हाँ, आपके फोन में कुछ इस प्रकार से इसे बंद होगा तो दोस्तों आपको इसे ऑन कर देना, कुछ इस प्रकार से ऑन कर देना है। दोस्तों इससे क्या होगा, आपके व्हाट्सएप के साथ कोई छेड़खानी करेगा, हैक करने की कोशिश करेगा तो दोस्तों आपको एक नोटिफिकेशन मिलेगा। जी हाँ दोस्तों, आपने सही सुना, अगर आपके व्हाट्सएप के साथ कोई छेड़खानी कर रहा है, कोशिश कर रहा है तो आपको एक नोटिफिकेशन मिल जाएगा। जी हाँ दोस्तों, काफ़ी यूजफुल सेटिंग है, हमेशा इस सेटिंग को ऑन करके रखना। दोस्तों थर्ड नंबर की सेटिंग कौन सा है दोस्तों, ये आखिरी सेटिंग है, यहाँ पे दोस्तों आपको वो ध्यान से देखना है। तो दोस्तों इसके लिए आपको व्हाट्सएप एप्लीकेशन ओपन करना, थ्री डॉट पे क्लिक कर देना, उसके बाद सेटिंग पे क्लिक कर देना, उसके बाद चैट पे क्लिक कर देना। चैट पे क्लिक करने के बाद दोस्तों आपको नीचे आ जाना है, यहाँ पे एक ऑप्शन मिलेगा चैट बैकअप। जी हाँ, चैट बैकअप पे आपको क्लिक कर देना। इस पर क्लिक करने के बाद दोस्तों यहाँ पे आपको चेक करना है। तो दोस्तों यहाँ पर आकर यही चेक करना है, यहाँ पर आपका ईमेल आईडी सेलेक्ट है या नहीं। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर आपका ईमेल आईडी सेलेक्ट है या नहीं। अगर आपका ईमेल आईडी सेलेक्ट नहीं है दोस्तों, सीधी सीधी बात है, आपका व्हाट्सएप बैकअप कोई और ले रहा है। जी हाँ दोस्तों, आपने सही सुना, यहाँ पर अगर आपका जीमेल आईडी सेलेक्ट नहीं है तो आपका बैकअप कोई और ले रहा है। दोस्तों फिलहाल मेरे फ़ोन में अभी जीमेल आईडी मैंने लॉग इन नहीं किया हूँ। दोस्तों आपको यहाँ से अपने ईमेल आईडी को सिलेक्ट कर लेना है। अगर आप किसी को फ़ोन देते हैं, फ़ोन लेने के बाद दोस्तों आप जस्ट इस चैट बैकअप में आकर एक बार चेक जरूर करें हमारा ईमेल आईडी सेलेक्ट है या नहीं। जी हाँ दोस्तों, नहीं था। आई होप कि वीडियो काफी अच्छा लगा, कुछ सीखने को मिला तो इस वीडियो को लाइक करें, अपने फ्रेंड के साथ शेयर करें। अगर आपके मन में कोई क्वेश्चन हो तो मेरे इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हैं।